ये क्या हो गया भाई यार, जो कि दयाल के अंदर से यार पेन निकल आए यार, दयाल तो फट जाएगा यार, पानी भी चला जाएगा भाई, क्या हो गया भाई। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। सो फाइनली न्यू ब्लॉग लेके आ गया, तो आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। तो हम लोग सुबह में दुकान पे आ चुके हैं और इसलिए आए कि जो कि आज है शनिवार, तो हम लोग लेबू और लंका को टंगाएंगे, इसलिए हम लोग इसको रेडी कर रहे थे। तो गाइस पहले वाले को तो जो कि जो लटका है तो उसको हम लोग निकालेंगे, और जो कि जो नए वाले को उसको लटकाएंगे, तो नए वाले को लटका दिए हैं, और अभी जिसको जो पुराने वाले को हम लोग उसको फेंक देंगे। तो फाइनल फेंक क्या किया, और जो कि फेंकने के बाद आप लोगों को दिखाते हैं जो कि सांप नाग और यहाँ पर जो घोड़ा की कांचा है सूख जाने के बाद, इसको हम लोग भट्टे में पुराएंगे। भट्टे के पुराने के बाद एकदम कलर हो जाएगा। तो अभी सुबह है तो इसलिए हमको पूजा पाठ करना है। तो भगवान जी है यहाँ पर, माँ तारा जी है, माँ जी है और भोलेनाथ जी हैं। तो क्या बताए ना, तो अभी जो कि सुबह के 10 बज रहे हैं, और सुबह के 10 बजे तो मैं दुकान पे, जो कि मैं सुबह के 7 बजे आया था और सुबह के 10 बज गए, तो मैं छाता लेकर आया था घर से, क्योंकि बारिश हो रहा था इसलिए। तो मैं अभी जा रहा हूँ घर, और छाता भी मेरे साथ ही है। तो आप घर पे आके देखा यार अंधेरा है, तो मैं सोचा चलो लाइट को ऑन करते हैं। तो मैंने फाइनली लाइट को ऑन कर दिया है, और यहाँ पर चाय बन रहा है, और यहाँ पर जो कि चाय का सबका सामान रेडी है। तो चाय ख़त्म हो गया था इसलिए मैं चाय खरीदने गया था। तो डालमिया का जो कि दाम बढ़ चुके हैं, 40 रुपये था तो 44 रुपये कर दिए, 4 रुपये बढ़ा दिए हैं। तो क्या कर सकते हैं, ले तो लेना तो पड़ेगा ही। और अभी अभी चाय तो एकदम बनने में रेडी है, तो मैं चाय पी लिया, और अभी चलते हैं मार्केट की तरफ और देखते हैं कस्टमर आया नहीं आए। तो आके देखा है कस्टमर एक भी नहीं आए हैं। तो मेरे मासी जी ने एक पियारा खरीद लिया है, तो इसलिए पियारा को हम लोग घर लेके आ गए और टेस्ट कैसा टेस्ट है खा के देखते हैं। तो देखा यार बहुत ही मीठा है और बहुत ही स्वादिष्ट है, और खाने में तो बहुत ही मज़ेदार है। तो गाइस खाने में तो बहुत ही अच्छा लगा, तो आप लोगों को क्या ही बताए, बहुत ही अच्छा लगा। तो खाने के बाद अभी की दोपहर के 12 बज चुके हैं, तो अभी चलो जो कि हम लोग खाना पकाते हैं। तो गाइस फाइनली तो हम लोग को जो कि तरकारी हो सब्जी बन रहे हैं, और यहाँ पर जो कि चावल बन चुके हैं। तो अभी तो खाना एकदम रेडी है, तो हम लोग खाना भी खा लिए हैं। खाना तो पड़ेगा ही, तो खाना एकदम रेडी है, खाना भी खा लिया है। और अभी हम लोग जाएगा छत के ऊपर, तो छत के ऊपर आके देखा जो कि एकदम बहुत ही मज़ेदार हवा आ रहा था, और हवा तो देखे यार मन तो खुश हो गया, और देखा यार छत भी एकदम बहुत ही अच्छा हो गया है, जो कि बरसात के पानी में एकदम साफ़ हो चुके हैं। और आके तो बहुत ही मज़ा आ रहा था, हवा जब आ रहा था ना गाइस, कहीं ठंडी ठंडी हवा आ रहा था, तो और क्या ही बताए, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और आके देखा यहाँ पर जो कि साइड में जो कि पेड़ निकल आए हैं, और जो कि एकदम जो कि भीड़ से अंडर से आए हैं, इसलिए जो कि पानी घर के अंदर जा रहा था। मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे जा रहा है, तो क्या कर सकते हैं यार, इसको तो निकलना पड़ेगा, और नहीं तो हमारा जो कि घर को फटा देगा, तब हमारा बारिश का पानी सब ढुक जाएगा घर के अंदर। और देखा तो कुछ तो करना पड़ेगा, तो ये सोच के हम लोग बैठ गए हैं और हवा खाने बैठ गए हैं। तो और मज़ेदार हवा आ रहा था। तो गाइस ऐसे ही मज़ेदार ब्लॉग हम लोग डेली बनाते हैं, तो ऐसे ही आप लोग सपोर्ट करते रहना, और चैनल को कर दो सब्सक्राइब, नए हो तो, और लाइक कर देना। बाय बाय।